So hey, what's up YouTube? Welcome back to another blog. I'm Shravan. You are watching my YouTube channel SKM Backpacker. So guys, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अभी अमृतसर सीरीज चल रहा है अभी, और अमृतसर में मैंने वीडियो डाला था. सबसे पहला वो था दिल्ली टू अमृतसर, देन गोल्डन टेम्पल, देन बाघा बॉर्डर और जालियांवाला बाग लास्ट वीडियो था. और अब जो वीडियो डालने जा रहा हूँ वो, अगर आप अमृतसर जाते हो तो मात्र 300 रुपये में बैकपैकर्स हॉस्टल नूड्स बैकपैकर्स हॉस्टल है, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो. वो भी 5-स्टार हॉस्टल, मतलब 5-स्टार का होटल का सारा फैसिलिटी मिलेगा हॉस्टल के फॉर्मेट में. और शेयरिंग बेड होता है, डोरमेट्री होता है, और मतलब सारा फैसिलिटी आपको मिलेगा, वो भी ओनली 300 पर डे के हिसाब से. और साथ में आपको बहुत सारा ट्रैवलर्स फ्रेंड्स बनेंगे, जिसमें फॉरनर्स इंडियन सभी होंगे, तो उन सभी से मौका मिलेगा आप सभी को मिलने के लिए. और बहुत सारा साथ में एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सकते हो वहाँ पे. और बहुत ही क्लीन मेंटेनेंस सब चीज़ रहता है वहाँ पे, एकदम सेटल रहता है. खेलने का, आपके मनोरंजन से रिलेटेड सारा सामान रहता है, किचन वगैरह सब कुछ आप यूज़ कर सकते हो ओनली 300 में. तो अगर आप लोग कभी अमृतसर जाते हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और ये वीडियो देख लीजिए वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है. और वहाँ पे जो हमें बहुत सारा दोस्त मिले थे ट्रैवलर्स, उन सभी से मैं मिला हुआ हूँ, उनका इंटरव्यू ले रखा है थोड़ा बहुत, तो आपको जानकारी मिल जाएगा. साथ ही मैं इस हॉस्टल के बारे में सारा कुछ मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो चलिए वीडियो देखिए आप. नाम है नूड्स बैकपैकर. अब चलते हैं, ये ऑफिस था मेन, और फिर इसके ऊपर चलते हैं जो कि आपको दिखाऊंगा इस हॉस्टल का. सो गाइस जी, यार सबसे पहले तो आपको ये किचन है, ठीक है. इस किचन में आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो कुछ भी, मगर हाँ आपको मार्केट से लेके आना होगा जो भी चीज़ बनाओगे वो चीज़ आप खाओगे. बाकी बर्तन वगैरह, गैस वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ पर रखा गया है, तो यूज़ कर सकते हो. चाय, कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, जो भी आप लाते हो मार्केट से वो चीज़ बना के यहाँ पर कर सकते हो. तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किचन मिलता है, ठीक है, जो बैकपैकर्स आते हैं उन लोगों के लिए परफेक्ट होंगे. साथ में यहाँ पे जो भी आप बना के खाओगे उसके लिए टेबल चेयर लगे हुए हैं. और ये है वेटिंग हॉल, या फिर आप अपना स्पेंड खाली टाइम जो है बैठ के यहाँ पे, आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है जैसे म्यूजिक बॉक्स एरा गिटार बजाने के लिए, सब इसने डेकोरेट किया बहुत ही अच्छे से, देख सकते हो. कैरम बोर्ड, चेस, ताश, लूडो, बुक्स आपके पढ़ने के लिए, और मैप्स, और बाकी होम थिएटर, गाना वाना शाम को बजा के आप चिल मार सकते हो अपने दोस्तों के साथ में. ये देख सकते हो यहाँ पे बैठ के लोग अपना चिल मारते हैं, बैठ के गपशप, जो भी बैकपैकर्स होंगे यहाँ पे और भी सारे उससे बातें कर सकते हो, और उसके साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, उसे जान सकते हो, आप भी अपने बारे में बता सकते हो. तो अच्छा चीज़ है ये भी. और जितने भी रूम्स हैं सब फुल एयर कंडीशनर है. और ये है डॉर्मेट्री रूम, जिसकी चार्ज 300 पर डे होता है, जिसमें ऑल फैसिलिटी होती है चार्जिंग, वाईफाई, लॉकर के साथ में. और इधर आपको टॉयलेट और वॉशरूम, ये दोनों. टॉयलेट जो है वो टिश्यू पेपर वाले सिस्टम है यहाँ, टिश्यू पेपर वाले सिस्टम. और इधर बेसिन वगैरह दिया गया है जहाँ पे अपना ब्रश वगैरह करना हो. इधर पैक, ये वॉशरूम, शावर वगैरह लगी पड़ी है, तो साफ सुथरा हर जगह है, मतलब हाइजीन तरीके से. तो ये है, जैसे कि आप पर्सनल फैमिली के लिए रूम बुक करते हो तो फैमिली के लिए एक पर्सनल रूम रहेगा आपके लिए, तो ये रूम हुआ, देख लीजिए. मतलब पूरा ग्रुप में, फैमिली में 5-6 मेंबर आते हो तो आराम से 4 बेड लगे हुए हैं, पूरा क्लीन साफ सुथरे, ब्लैंकेट भी मिलते हैं ठंडी को देख के, टीवी है पर्सनल आपको मिलते हैं, फैन लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, तो ओवरऑल ऑल चीज़ें हैं इसमें, टेबल्स वगैरह मिल जाएंगे. और साथ में इसके बेसिन या वॉशरूम देख लीजिएगा, साफ सुथरे पूरा हर जगह पर, मतलब क्लीननेस का पूरा ध्यान रखा गया है. ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा.
तो मेरे हिसाब से आई थिंक आपके लिए बेस्ट बजट में ना 300 रुपये में आपको शेयरिंग वाला मिल जाएगा, और रूम का मैं पूछ के बता दे रहा हूँ आप लोग को कितना लगता है, देन आप यहाँ पे आ सकते हो। और नया बना हुआ है, सबसे बड़ी चीज़ नया बना हुआ है, तो आपको अच्छा फील होगा और आपकी जो ट्रिप है मेमोरी अच्छा बनेगा यहाँ पे। आप घूमने नहीं गए आज? नहीं, ये था मेरा बेड, इट्स माय बेड। तो ये एक भैया हैं। हेलो भैया। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम आपका? कबीर कलवानी। कहाँ से आप? जबलपुर MP। कैसा लगा आपको अमृतसर? बढ़िया, अच्छा लगा। दरबार आप भी ट्रैवलिंग करते हो ना? हाँ जी। कुछ बताओगे ट्रैवलिंग के बारे में? ट्रैवलिंग के बारे में भाई, हम तो अपने बिजनेस टूर के हिसाब से ट्रैवल कर रहे हैं, एज अ वैकेशन के हिसाब से या एज अ बैकपैकर तो नहीं कर रहे। सो ट्रैवलिंग भाई, हम तो बिजनेस टूर के हिसाब से ट्रैवल कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स से मीटिंग के हिसाब से या फिर जो हमारा काम है उसके से रिलेटेड जो भी हमारी डील्स हैं उसके संबंध में। बाकी यहाँ पे भी मेरी कुछ कंसल्टेंट से मीटिंग थी इसलिए मैं आया हूँ। एंड अमृतसर तो दरबार साहिब के लिए फेमस है, एक ना एक बार हर किसी को जाना ही चाहिए यहाँ पे। सच में बहुत ही अच्छा। आज भी मैं गया लंगर खा के, कल नहीं खाया था। तो लंगर का जो सिस्टम देखा हूँ ऐसा अनबिलीवेबल है, कैसे मैनेज करते होंगे, मतलब इतने एक साथ, मतलब 2,000-3,000 लोग घुस रहे और एक साथ खाना खिला रहे और तुरंत निकलते हैं, फिर ऐसे 4-5 हो रहे उनके, मतलब 10-15,000 लोग एक साथ बैठ के खाते हैं उसमें। एक दिन में मैंने सुना है 2,00,000 लोग वहाँ पे लंगर करते हैं इन 24 आवर्स। तो वहाँ का मैनेजमेंट बहुत वर्ल्ड वाइड टॉप क्लास है, तो कोई डाउट नहीं है। आप पहली बार गए ना अमृतसर? हाँ। दरबार साहब? हाँ, पहली बार आया था अमृतसर। हाँ। और दरबार साहब, दरबार साहब है यहाँ पे, बाबा दीप सिंह का गुरुद्वारा है, बाबा दीप सिंह जी का। एंड और भी हैं, अगर आप घूमोगे तो अमृतसर में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं। आप वहाँ हुआ है क्या? बागा बॉर्डर हुआ है थे ना? हाँ, बागा बॉर्डर कल ही गया था, आज जलियांवाला बाग घूम के आया। और एक खालसा कॉलेज है यूनिवर्सिटी, बट उसमें हमें मना कर दिया कि बाहरी अलाउ नहीं होते। अच्छा। तो और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए तो उन्होंने पूरा बैन बताया कि उसमें हो ही नहीं सकता तुम्हारा वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी। और उन्होंने बाहर में लगा भी रखा है बड़ा सा बोर्ड, तो सोचा अब जाके भी क्या फ़ायदा, बाहर से देख रहे हैं। और संडे था आज, तो बोला मैं बहाना भी नहीं बना सकता ना कि मैं एडमिशन से रिगार्डिंग पूछना है या कुछ भी। तो बोला संडे आज तो बंद भी है, तुम ये भी नहीं कर सकते। उन्होंने पहले ही बता दिया मेरे को, बोला चलो भाई चाहिए। फिर वहाँ से निकल के फिर जलियांवाला बाग आया, फिर लंगर खाने गया, फिर अब मेरा 4 बजे ट्रेन है, मैं भी 4 वापस। और वहाँ पे क्या कहते हैं, खालसा कॉलेज है कितना दूर यहाँ से? 5-6 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है। ये हॉस्टल कैसा लगा आपको? बढ़िया, सब फीस फैसिलिटीज दिख ही रही है, मतलब साफ सफाई है, नया जैसा लग रहा है ये। हाँ, बहुत समय नहीं हुआ है तो क्लीनलीनेस बहुत है, फैसिलिटीज भी है, आप किचन यूज कर सकते हो फुल। हाँ, अपना खाना खुद बना सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप साफ सफाई रखो। हाँ, जैसे बैकपैकर्स जो होते हैं ना हर जगह पे, उनको क्योंकि बाहर का खाने खाएंगे तो उतना अफोर्ड नहीं करते ना, चीप बजट में नहीं, उनको कई लोगों को सूट भी नहीं करता है। अपार्ट फ्रॉम बजट के अलावा भी एक बात रहती है, कई लोग प्रेफर नहीं करते हैं बाहर खाना, और हाँ, ये भी है। सूट नहीं करता तो वो खुद जो हल्का फुल्का बना के खा लेते हैं। सही है। सो थैंक यू सो मच, आपने बताया। बिल्कुल। और फिर मिलेंगे। बिल्कुल, बाय बाय। साथ में अपर भी छत पे जा सकते हो आप, तो ये भी फैसिलिटी है। बाकी हमारे हॉस्टल का भी यही था, तो नीचे मैं पूछ के आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कितनी प्राइस है जो पर्सनल रूम लेते हैं उनके लिए। तो ये इनके ऑफिस है, जैसा कि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। तो हमारे गणपति जी, जय गणपति बापा। यहाँ भी बैठ के आप अपना टीवी देख सकते हो, वाईफाई वगैरह सब फ्री है, पानी पीने के लिए है। तो मतलब एक नॉर्मल जितने फैसिलिटी होते हैं यार सब चीज़ मिलेगा आपको।
और आपको यहाँ पे बाइक भी रेंट पे मिलेंगे, व्हाट टू बी ट्रैफिक बुक बाइक ऑन रेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो अपना खुद का बाइक ले लो रेंट पे और पूरा अमृतसर शहर को एक्सप्लोर करो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक लिए बाय बाय, दस दान, टेक केयर, सब बाय, बाय।